हेलो एवरीवन, मैंने पहले जो वीडियो था मैंने उसी में सोचा था कि इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट कराऊं, लेकिन फाइल बड़ा होने के कारण मैंने उसमें नहीं करवाया। चलिए इसमें देखते हैं कि सेकंड पार्ट है। जैसे मैंने कहा था कि मेंशन क्या है कि पहले पार्ट में साहिब आलम के बारे में बात किया, दूसरा में क्या है मुकेश के बारे में बात करना। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब इसमें नैरेटर कहती है कि दूसरे बच्चों की स्टोरी बताता, जिसमें एक बच्चा कहता है कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ, और वो रहता कहाँ पर है, फिरोजाबाद में, जहाँ पर कि इस चीज़ को इमेजिन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट इज़ वाई ये लाइन लिखा गया है कि हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एडमिस्ट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट दैट फिल द टाउन फिरोजाबाद। जहाँ हर जगह धूल और काफ़ी बैंगल, यानी कहीं कुछ था नहीं, वहाँ पर ये कहता कि मैं कार ड्राइव करना चाहूँगा। तो ये एक तरह से इसलिए इसको ये चीज़ कहा गया है। अब वहाँ पर एक जनरेशन से, यहाँ पर बंगाल इंडस्ट्री होती थी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक के जो लोग हैं, यानी वो यहाँ पर बंगाल इंडस्ट्री में पूरा इन्वॉल्व है। तो उसमें से मुकेश का भी जो फैमिली था वो भी ऑलरेडी इन्वॉल्व था, तो मुकेश फैमिली इज अमंग देम। और यहाँ पर लगभग 20,000 जो बच्चे थे वो काम करते। तो अगर यहाँ नरेटर ने कहा कि अगर लॉ को इन्फोर्स किया जाता तो सारे बच्चे को बाहर निकाला जा सकता था। तो उसी में क्या है कि मुकेश जो है दे स्लॉग द डे लाइट, मुकेश आइस बीम्स एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। उसी में मुकेश क्या करता है, नरेटर को अपने घर की तरफ ले जाता है, जहाँ पर वो घर जाने पर देखता है कि गलियों से लेकर जहाँ पर काफ़ी कचरे वगैरह जमा थे, काफ़ी स्मेल हो रहा था, जो फिर जा रहे थे नरेटर, तो दरवाज़ा, हर घर का दरवाज़ा जैसे हाथ मारता था तो खुल जाता था, झूलते हुए दरवाजे वगैरह सब थे। और जब वो पहुंचा तो जहाँ पर पहुंचा तो देखता कि मुकेश का जो घर है वो आपको कच्चा हाउस था, कच्चा हाउस का बना हुआ घर था। और जब मुकेश के घर में पहुंचता तो देखता है कि एक पतली सी जो है वुमेन है वो सबके लिए खाना बना रही है। तो वो कौन थी, मुकेश की भाभी थी, और जो मुकेश का बड़ा भाई था, तीन व्यक्ति थे वो उसमें, मुकेश के फादर, मुकेश की भाई, मुकेश की भाभी और उसकी ग्रैंड मदर भी थी। और उसकी जो ग्रैंड मदर, उसके जो फादर थे वो इम्प्रोविज मैंगल मेकर थे। इम्प्रोविज का मतलब काफ़ी पुअर, इतने साल तक काम करने के बाद भी उन्होंने अपना एक घर नहीं बनाया था। और मुकेश ने अपने घर को रिकन्स्ट्रक्ट किया था, इस बात का उसको थोड़ा सा ये प्राउड था कि मैंने ऐसा काम किया, उसके पिताजी नहीं कर पाए थे वो कर पाया था। तो फिर उसकी दादी एक में कहती कि इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यानी इसका ये भाग है जो इसको मिला हुआ है, और चूंकि ये इस घर में पैदा लिया है तो बंगाल इंडस्ट्री वाले के घर में तो बंगाल ही बनाना पड़ेगा इस तरीके से। इन द हाउस इन द यार्ड, और नायट्री कहती कि हर जगह हमको उनको सिर्फ देखने को सिर्फ बैंगल ही बैंगल मिलते, कभी यार्ड में, कभी कहीं और खेतों में, जहाँ कहीं पर भी, और सारे कलर के बैंगल से, जितने रेनबो कलर होता सब। उसी में देखती कि एक जो बच्चे हैं वो अपने ग्रैंड मदर के साथ बैठ करके बैंगल्स बना रहे हैं। लाई इन द माउंट ऑफ द अनकेप्ट, यहाँ पर है कि सेंटी इन अ डार्क हैटमेंट नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्रिकलिंग लैम्प्स सिट अ बॉय एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर। मदर और फादर के मिलकर के दोनों जो है उस अंधेरे में क्या कर रहा है, वो बना रहा है बैंगल्स। फिर कहती है सविता यंग गर्ल डैर इन द पिंक ड्रेस, यानी एक सविता यंग गर्ल थी, वो अपने किसके साथ बैठी थी, अलॉन्ग द एल्डरली वुमेन के साथ बैठ करके, और वो भी क्या कर रही थी, सोल्डरिंग कर रही थी जो बैंगल्स वगैरह बनते हैं। तब नाइटर कहती है कि क्या उसको पता है जो बैंगल को बना रही है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितना इसकी सेंटिटी है, कितना ये ऑस्पिशियस है, जब एक दिन शादी होगा तो उनके हाथों में भी ये बैंगल पहना दिया जाएगा, माथे में सिंदूर होगा, ये सब चीज़ें जो है वो हाथों में मेहंदी होगा ये सब। शी स्टिल हैज ए बैंगल, और वहाँ पर जो एल्डरली वुमेन थी उनके हाथों में अभी भी बैंगल, इसका मतलब कि उनका सुहाग अभी जिंदा है, ये चीज़ बता रहे कि विच बट नो लाइट, लेकिन उनके आँखों में रोशनी नहीं, क्योंकि जहाँ पर बैंगल बनता है वो अंधेरे रूम वाला रूम था, उसमें क्या लोगों के आँखों में रोशनी रहेगा। और फिर इसमें एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन द वॉइस ड्रेन ऑफ द जॉय शी हैज नॉट इवन इन्जॉय इवन वन फुल मील इन टाइल, यानी कि पूरे जीवन में एक दिन पूरे भोजन नहीं कर पाया, यही जो है कहते उसका कर्म है कि कितना इतना मेहनत करने के बावजूद भी उन लोगों को एक दिन का खाना नहीं मिलता। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन
इनफ टू ईट नहीं, यानी कि उन लोगों के पास यही ऑप्शन था कि पैसे नहीं था, कोई और बिजनेस कर नहीं सकता, इसलिए बैंगल इंडस्ट्री में था। द यंग मैन इको द, जो बाकी जो लोग थे यही बता रहे थे कि और हम कर भी क्या कर सकते हैं। तो फिर नरेटर पूछती है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज देम योरसेल्फ इन द कोऑपरेटिव, कहा कि आप एक समूह बना करके क्यों नहीं काम करते। आई आस्क द ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन, जो कि मिडिलमैन का शिकार हो चुका है, हु ट्रैप इन द फादर। तो कहता कि अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इवन इफ वी गोना वी आर वंस हु विल बी हॉल अप बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा पकड़ के ले जाएंगे, ड्रैग करके ले जाएंगे और इलीगली हम लोग को बंद कर दिया। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उन लोगों के बीच में कोई लीडर भी नहीं था जो उन लोगों को बचा सकता। नो वन हु विल हेल्प इट, और ये जो पॉवर्टी थी, ये जो सर्कल था गरीबी का, कि एक से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन उसमें बनता गया साहूकारों के बीच में पड़ता, ये चलते रहता था। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी। अब ये सब दोनों नरेटर जो है, दोनों जगह की स्टोरी, एक साहेब आलम का और एक का मुकेश का देखने के, कहता है कि दो दुनिया देख, एक जगह एक जो है पॉवर्टी के बंधन में बन चुका है और दूसरा बाय द स्टिग्मा ऑन अ कास्ट, की इस कास्ट में पैदा लिए हैं तो यही चीज हमको करना पड़ेगा, और दूसरा जो है अदर सर्कल ऑफ साहूकारों के चक्कर में लोग फंसे हुए। द मिडिल मैन एंड द पुलिस लॉ ब्यूरोक्रेट्स टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैग ऑन द चाइल्ड, यानी कि बच्चों पे इतना बोझा डाल दिया गया है, बैग ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट देम, उसको वो नीचे, कहने का मतलब उसके फादर को इस तरीके से ट्रैप कर लिया गया है, बधुआ मजदूर बना दिया गया, उसके बेटों पे भी वही काम किया गया है कि वो उस बोझ को उतार नहीं सकता। कैनॉट पुट देम बिफोर ही आंसर, जब तक वो इस चीज़ को समझता एंड ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज हिज फादर, और जब तक इस बात को समझता कि मैं कहीं ट्रैप हो चुका हूँ, वो बच्चे इस बात को एक्सेप्ट कर लेता। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर कोई और काम करता, इसका मतलब हुआ कि जो साहूकार का सर्कल था या मिडिलमैन का सर्कल था ब्यूरोक्रेट्स का, उसको चैलेंज देना। और कहता चैलेंज तो उन लोगों के बर्थ में है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखाया नहीं गया है। व्हेन आई सी फ्लैश इन द मुकेश आई जी, तो आप कहते हैं कि जब मैं मुकेश के आंखों में ये चीज देखता हूँ कि मुकेश ड्राइव करने वाला है, तो मैं बड़ा खुश होता। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, बार बार कहता है। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, कहता है कि वो गैरेज जा करके इस चीज को सीखूंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो कहते हैं कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाने की, एक तरह से मजाक वाली बात हुई कि प्लेन भी उड़ाने की कोशिश करोगे। ही इज सडनली साइलेंट हो जाता है। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड इन द इन स्मॉल मर्मर, देयर इज एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इन टू द रिग्रेट, यानी कि उसको इस बात के लिए शर्म भी हो रहा है जब इसने पूछा। ही इज अ कंटेंट ऑफ ड्रीम द कार्स दैट सीम हर्लिंग, यानी वो इस बात से खुश था कि उसको सिर्फ जो है कार ही ड्राइव करना है, और वो कार जो है उसके फिरोजाबाद के गलियों से होकर के भी गुजरता था। तो इस तरीके से ये दूसरा पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग का। मैं तो पहले ही पार्ट में इसको बना देता, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉजंट डन, तो नहीं बन सका, इसलिए इसको दो पार्ट में बनाना पड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है समरी, चूँकि मैंने डिटेल में सारे वीडियो का बना करके पहले ही अपलोड कर दिया, तो मैं सिर्फ समरी बना रहा हूँ, अगर पसंद आता है तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।